नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव सत्ताधारी दल के पक्ष में ही जाता है, यानी सत्ताधारी दल अमूमन यह चुनाव नहीं हारता है। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, जहां सत्ता रोटी की तरह नहीं पलटती है, 34 साल और 13 साल दो दो शासन काल में क्या यह सत्य है? जी नहीं, यह अर्ध सत्य है। सत्य क्या है यह जानने के लिए हमें पर्दे के पीछे चलना होगा। लेकिन पर्दे के पीछे जाने से पहले मौजूदा सूरत हाल पे क्या है यह हम जानने का कोशिश करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान 13 नवंबर को होगा और 23 नवंबर के इसके चुनाव परिणाम की घोषणा होगी, ये सभी जानते हैं। पिछले शनिवार को बीजेपी सबसे पहले अपने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। उसके ठीक 24 घंटे के अंदर रविवार को टीएमसी ने भी अपने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यानी दो जो मुख्य दल हैं, टीएमसी और बीजेपी, दोनों के 6-6 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। लेकिन मार्के की बात तो यह है कि जो 12 उम्मीदवार हैं, इसमें ऐसा कोई नया नाम, एकमात्र नाम भी या एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसे यूं कहा जा सके कि जो जाना पहचाना राज्य स्तर का कोई नेता हो या बहुत ज़्यादा चर्चित हो। दरअसल दोनों ही दलों ने स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा किया है और स्थानीय लोगों को ही टिकट दिया है। यानी जो 12 जो उम्मीदवार हैं, ये जो 6 विधानसभा सीटों में जो चुनाव हो रहा है, तो 6 टीएमसी के और 6 बीजेपी के, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जहाँ तक टीएमसी का सवाल है, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी 24x365 इलेक्शन मोड में रहती हैं। हर वक्त उनके दिमाग में इलेक्शन रहता है और इलेक्शन के तहत ही वो काम भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने 24 घंटे बाद अगर इनसे उम्मीदवार घोषित की तो उनको फैसले लेने में देरी हुई, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान इन 5 विधायकों को जो सांसद के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा था, उस वक्त ही वह इनका विकल्प चुन ली होंगी, ये तय है। सिर्फ वो यह इंतजार यह कर रही होंगी कि बीजेपी किस तरह का कैंडिडेट देता है, उसके बाद वो अपना कैंडिडेट देंगी। इसलिए उन्होंने भले 24 घंटे की देर की हो, वरना जो उम्मीदवारों की इनकी जो सूची आई है वह देख के साफ लग रहा है कि पहले से इन नामों पर अटकलें चल रही थी और ये वही नाम है जो इस सूची में आए हैं। बीजेपी भी कोई बहुत बड़ा नाम इसमें नहीं दी है, इसने भी स्थानीय नेतृत्व पर ही भरोसा किया है। अब अगर यदि हम तैयारी की बात करें तो बीजेपी सिर्फ 6 नामों की घोषणा के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं की है जिससे यह देखा जा सके कि वो चुनाव के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व को ये आरजी कर कांड के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उन्हें सीटें मिल सकती है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें 5 सीटें मिलेगी सिर्फ हरवा सीट छोड़कर। हरवा जो है अल्पसंख्यकों का बहुतायत है वहाँ पर, इसलिए सीट नहीं मिलेगी, बाकी हम 5 जीत सकते हैं। अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी 3 सीटों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। वह जो इनकी सीटिंग सीट मदारी हाट है, उसके अलावा वह सीताई और तलडंगरा, ये 3 जो सीटें हैं इस पर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक टीएमसी का सवाल है, टीएमसी साफ कह रही है कि इन 6 विधानसभा में कुल 1583 बूथ हैं और इन 1583 पोलिंग बूथ पर बीजेपी जैसी पार्टी भी पोलिंग एजेंट नहीं दे पाएगी। कांग्रेस और सीपीएम की तो बात करना ही बेकार है। तो क्या 1583 बूथ पर बीजेपी अपना पोलिंग एजेंट दे पाएगी? यह तो 13 नवंबर को ही पता चलेगा जिस दिन मतदान होगा, फिलहाल ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। कुछ नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि आरजी कर का जो कांड हुआ है उसका टेस्ट हो ही जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हम 6 के 6 सीट जीतेंगे। अब कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां टीएमसी के विधायक रहते हुए उन्होंने 18,000 या 17,000 से वोटों से जीता था और जब लोकसभा चुनाव लड़ने गए तो उस विधानसभा सीट में 15,000 से 17,000 के ही करीब बढ़त भी ली थी। यानी 18 और 15 के बीच का ही औसत रहा है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। खैर, इसका भी साफ तस्वीर आएगी 23 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे।
हाँ, हम बात कर रहे थे कि उपचुनाव सत्ताधारी दल भी यहाँ आ रहा है, तो हम पर्दे के पीछे चलते हैं। पर्दे के पीछे हम जब जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बाम फ्रंट के 32 साल के शासनकाल के बाद 2009 में जब उपचुनाव हुआ जलपाईगुड़ी के रायगंज में, तो वहाँ से खगेश्वर राय टीएमसी के विधायक चुने गए बाम फ्रंट के उम्मीदवार को हराकर। और नॉर्थ बंगाल से पहले विधायक को चुने गए थे खगेश्वर राय ही, इसके पहले नॉर्थ बंगाल में टीएमसी का कोई विधायक नहीं हुआ करता था। और बाम फ्रंट को पहला धक्का इस 2009 के उपचुनाव में रायगंज में ही लगा था, जब खगेश्वर राय ने बाम फ्रंट के उम्मीदवार को हराया था और बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के ऊपर उंगली पहली बार उठी थी। उसके बाद उसी साल दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां से तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा चुनाव जीते थे। विष्णुपुर वेस्ट से 2009 के उपचुनाव में तृणमूल के मदन मित्रा चुनाव जीते थे। हालांकि डिलिमिटेशन के बाद विष्णुपुर वेस्ट सीट अब नहीं है। और उसी साल 3 अगस्त 2009 को सीपीएम के ताबड़तोड़ दिग्गज नेता सुभाष चक्रवर्ती का निधन हो गया। सुभाष चक्रवर्ती के निधन के बाद सीपीएम ने, खासकर बाम फ्रंट ने, उनकी पत्नी रमला चक्रवर्ती को वहां से चुनाव लड़ाया। और सुभाष चक्रवर्ती का दायरा, राजनीतिक दायरा, पहुंच काफी बड़ा था। इसमें पार्टी ने उम्मीद की कि रमला चक्रवर्ती इस सीट को निकाल लेंगे, लेकिन जो सुभाष चक्रवर्ती के जो सबसे बेहद करीबी और प्रिय हुआ करते थे सुजीत बोस, जो फिलहाल ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं, वह तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से के रूप में खड़े हुए और उन्होंने रमला चक्रवर्ती को हरा दिया। यानी जलपाईगुड़ी का रायगंज, दक्षिण 24 परगना का विष्णुपुर वेस्ट और उत्तर 24 परगना का बेलगछिया ईस्ट, ये तीन तीन सीट बाम फ्रंट के शासनकाल में टीएमसी जीती। और ये तीनों सीट वो उस वक्त जीती जब राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हुआ करते थे। हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गया कि डिलिमिटेशन के बाद बेलगछिया इस सीट भी अब नहीं है। अब अगर हम ममता बनर्जी के 13 साल के शासनकाल की ओर चलें, तो 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और 2019 तक लोकसभा चुनाव के पहले तक कोई उपचुनाव नहीं आ रही। लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त भाटपाड़ा के तत्कालीन विधायक अर्जुन सिंह बीजेपी के टिकट से बैरकपुर का चुनाव लड़े, और जब बैरक साथ ही उन्होंने उसको इस्तीफा दे देना पड़ा, इसलिए कि वो पार्टी बदल के चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव हुआ भाटपाड़ा का। और भाटपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में अर्जुन सिंह के पुत्र पवन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बने। दूसरी तरफ जो विष्णुपुर से जीत के मदन मित्रा ने जो रिकॉर्ड बनाया था, वही मदन मित्रा को टीएमसी ने भाटपाड़ा में अपना उम्मीदवार बनाया। और मदन मित्रा और पवन सिंह के मुकाबले चुनाव में 23,104 मतों से हार गए। यानी जहां तक उपचुनाव में हारने का सवाल है, तो ममता बनर्जी के सत्ता में रहते ये टीएमसी की पहली हार थी। और जहां तक मदन मित्रा का सवाल है, तो उनके नाम उपचुनाव जीतने और उपचुनाव हारने दोनों का रिकॉर्ड है। अगर हम उसके बाद के उपचुनाव की बात करें, या आखिरी उपचुनाव जहां सत्ताधारी दल को धक्का लगा, तो वह मुर्शिदाबाद का सागर दीघी है। मुर्शिदाबाद के सागर दीघी में कांग्रेस और बामफ्रंट के उम्मीदवार थे बायरन विश्वास, और बायरन विश्वास के खिलाफ टीएमसी का जो उम्मीदवार थे उनके बीच मुकाबला था। बीजेपी भी वहां पे थी, और आश्चर्य तो इस बात का है कि बीजेपी भी 25,000 से भी अधिक वोट पाई, लेकिन रिजल्ट जब आया तो कांग्रेस और बामफ्रंट के उम्मीदवार बायरन विश्वास ने टीएमसी के उम्मीदवार को हरा दिया। यह ममता बनर्जी के सरकार के लिए सबसे जबरदस्त धक्का था और यह आखिरी धक्का था। हालांकि 3 महीने के बाद बायरन विश्वास
टीएमसी ज्वाइन कर लिए और अब वह टीएमसी के विधायक हैं। यानी वाम फ्रंट के शासनकाल में 3 उपचुनाव बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे और ममता बनर्जी अपने शासनकाल में 2 उपचुनाव हारी। यानी 5 ऐसे उपचुनाव हुए हैं जहां सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए यह पूरी तरह सत्य नहीं है कि सत्ताधारी दल के पक्ष में ही हमेशा उपचुनाव जाता है, यह अर्ध सत्य है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।